तो देखो यार, फाइनली 2019 की जोकर मूवी का जो सीक्वल है हमारे सामने निकल के आ चुका है, जिसका नाम होने वाला है जोकर फीलिक्स अ ड्यू, जिसके लास्ट में एक्स आता है, वो भी एकदम साइलेंट वाला, जिसका लिटरल मीनिंग है इल्यूजन शेयर्ड बाय टू पीपल, जो कि सिनेमाघरों में आ चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर। इसको हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है, जिसको मैंने वॉच कर लिया है। अभी मूवी कैसी है, क्या ये आपके टाइम को वर्थ करती है नहीं करती, क्या जो जोकर की लेगेसी है उसको ये मेंटेन करने वाली नहीं करने वाली, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं कि इसके पार्ट नंबर 2 की स्टोरी में आपको देखने को मिलता है किस तरीके से पार्ट 1 की एंडिंग के बाद जो कांड आर्थर के कैरेक्टर ने स्टेज के ऊपर किया है, किस तरीके से उसको लेके जो है उसके ऊपर बुरी तरीके से केस चल रहा है, और आपको जिस तरीके से जोकर के कैरेक्टर के अंदर जो है वो डबल पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है, एक तरफ जोकर की एक तरफ आर्थर की, और जो कांड वो हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको लेके जो पूरे का पूरा केस है, पूरे का पूरा कोर्टरूम ड्रामा है, लिटरली कोर्टरूम ड्रामा जो है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई है, जिसमें आर्थर की दिमाग की जो अलग लेवल की इमेजिनेशन है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो क्या सारी चीजें होती हैं, इन सब बातों को आपके सामने जो है पार्ट नंबर 2 दिखाने की कोशिश की गई है, जहां पे पहला पार्ट जो है आपके सामने एज अ ओरिजिन आया था कि जोकर जो है वो कैरेक्टर कैसे बना। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 2 के अंदर पार्ट नंबर 1 के जो कॉन्सिक्वेंस है उसी को आगे जो है परस्यू किया गया। और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर 5 साल का वेट करके आप इतने आइकॉनिक करेक्टर के ऊपर मूवी लेकर आ रहे हो और वो ये है, डिसअपॉइंटेड मैन, लिटरली डिसअपॉइंटेड। क्योंकि जिस तरीके से ये ना तो हिंदी में आई है, ना लोगों को पता है कि इसका पार्ट नंबर 2 आने वाला है, तो जो ऑडियंस है वो और ज्यादा कम पे कम होती जा रही है, और आप ऊपर से ऐसी मूवी लेकर आ रहे हो जो ना तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऑफर करती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो है इसको मजे के लिए देखने जा रही है। जो पागलपन हम लोगों ने पहले पार्ट के अंदर देखा है, पार्ट नंबर 2 में वो पागलपन जो है पूरी तरीके से मिसिंग फील होता है। एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में। इसमें कुल मिला के जो मेन लीड है उनकी एक्टिंग जिस लेवल पर है, मजा आया उसको देख के। मतलब जोकर का जो करेक्टर यहाँ पे भाई साहब पोर्ट्रे किया गया है, वही पार्ट नंबर 1 को कंटिन्यू किया गया है, काफी ज्यादा मजा उसको देख कर आया। साथ में आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है हार्ली क्विन का करेक्टर, जो उनकी काफी तक केमिस्ट्री है ऑर्थर के साथ, वो जबरदस्त मुझे फील हुई। इसके बाद अगर देखो बात करें जिस तरीके से आपको यहाँ पे जो है कमाल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से थीम रखी गई है, जिस तरीके से टोन रखी गई है इस मूवी की, वो काफी डिसेंट है। मतलब कैमरा एंगल वाइज, जिस तरीके से कलर्स है, जिस तरीके से थीम है, वो काफी कमाल तरीके से फील होती है। बस इसके बाद अगर बात करें देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट के बारे में, इस मूवी का पहला नेगेटिव पार्ट होगा पार्ट नंबर 1 की तरह जो है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिसिंग है, और ये मूवी काफी हद तक बोरिंग साउंड करती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो है इसको मजे के लिए देखने जा रही है, कोई भी इसको एज अ आर्ट फॉर्म देखने नहीं जाने वाला है। तो मुझे पर्सनली ये नहीं पता कि ये लोग जो है आपको क्या बोल के बेचने वाले हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से इस मूवी के अंदर आपको कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिला, मतलब मोस्टली कोर्टरूम ड्रामा ही चल रहा है, ना तो इसके अंदर कोई एक्शन का एलिमेंट है, ना इसके अंदर कोई ऐसा थ्रिल वाला एलिमेंट है जो आपको पूरी तरीके से एंगेज करके रख सके, काफी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे पर्सनली इसके अंदर फील हुई है। तो मैं इस मूवी को मैक्स टू मैक्स 2 रेटिंग कर सकता हूँ, इससे ज्यादा ये मूवी जो है रेटिंग डिजर्व नहीं करती है। बस एक्टर की एक्टिंग और थोड़ा बहुत कैमरा वर्क जो है वो इसको डिसेंट बनाता है, अदरवाइज स्टोरी वाइज एग्जीक्यूशन वाइज जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है, इट्स कम्प्लीटली अ डल मूवी जो आपका टाइम डिजर्व नहीं करती है। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी जोकर का पार्ट नंबर 2। कम्प्लीट नाम मैं नहीं बोलने वाला हूँ, बाकी आप लोगों ने इसको अगर चेक कर लिया है आपके उसके ऊपर क्या ओपिनियंस है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो कहाँ तक देखा है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक करो और ऐसे और कॉन्टेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।